धूमल से हमारे सहयोगी आनंद कुमार ने खास बातचीत की, जरा जानिए। हमारे साथ हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी हैं। सर, आपने वोट डाल दिया, आपके क्या मुद्दे रहे? सर, मुद्दे विकसित भारत के निर्माण के लिए एक स्थायी सरकार जो सुदृढ़ सुनिश्चित करे कि देश देश की एकता, अखंडता और लगातार विकास भारत को विश्व गुरु बनाने की तरफ आगे बढ़ा सके, ऐसी सरकार चुनने का। सर, अगर बात की जाए लोकसभा सीटों की, तो चार लोकसभा सीट के साथ विधानसभा के भी उपचुनाव होने हैं, बाई इलेक्शन होने, क्या लगता है सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार बचेगी या जाएगी? सर, मुझे लगता बचेगी, क्योंकि लोकसभा में चौका लगेगा, विधानसभा में चक्का लगेगा, जब छः और आ रहेंगे तो फिर इनके MLA और डिमोरलाइज होंगे। मेरा अपना आंकलन है कि और डिफेक्शन होगा जब केंद्र में सरकार बीजेपी की बन जाएगी, यहाँ हार जाएंगे तो निश्चित तौर पर और डिफेक्शन होगी कांग्रेस में। सर, अगर हिमाचल की बात की जाए, चार सीटें हिमाचल से आती हैं, क्या लगता है आपको किस सीट पर टफ फाइट है इस वक्त? क्योंकि मंडी से अगर बात की जाए कंगना रनावत है और वहाँ से विक्रमादित्य सिंह जो कि सरकार में हिमाचल सरकार में मंत्री भी हैं। मैं मानता हूँ कि हर चुनाव कठिन चुनाव होता है और हर चुनाव टफ होता है, हर कोई अपना अपना जोर लगाता है, इस चुनाव में सब जोर लगाया, लेकिन विश्वास है कि सब ठीक होगा और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर, आज की बात करें तो एक तारीख है आज इंडिया गठबंधन भी बैठक करेगा अपनी फ्यूचर रणनीति को लेकर कि अब आगे उनको कैसे गठबंधन को आगे बढ़ाना है, क्या रणनीति रहेगी, उसको कैसे देखते हैं आप? मेरे ख्याल में उनकी आखिरी मीटिंग होगी, क्योंकि इसके बाद वो लड़ेंगे, मिलकर नहीं बैठेंगे, तो परिणाम आने से पहले पहले बैठ लेना चाहते हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि 4 जून को रिजल्ट आना है, क्या लगता है किसकी सरकार होगी और बीजेपी आपको लगता है कितने कमल खिलेंगे देश भर में? 370 से ज़्यादा कमल खिलेंगे और 400 NDA की सीट होगी और मोदी भी सरकार पर बनेगी। हमसे बात करने के लिए बेहद ही शुक्रिया सर। कैमरामैन कृष्णदेव के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, न्यूज़ इंडिया, हमीरपुर, हिमाचल।